आज मैं आप सभी के लिए पोटैटो व्हील्स की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत कुरकुरी और खाने में बहुत टेस्टी होता है और इजीली बन भी जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अंशुप्रियास कॉर्नर में। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसके लिए मैंने 2 बॉयल आलू कर लिए हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, पंचफोरन, चाट मसाला, जीरा और लाल मिर्च, अदरक और हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब पैन में तेल डाल देंगे गर्म होने के लिए। तेल के गर्म होते ही पंचफोरन का तड़का लगाएंगे। ध्यान रहे जलने ना पाए। और इसमें हरी मिर्च अदरक डाल करके अच्छे से भून लेंगे। सारे मसाले अब ऐड कर लेंगे। ध्यान रहे फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे ताकि मसाले जलने ना पाए। अब इसमें आलू मैश करके डालेंगे। इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लेंगे और आलू को बारीक एकदम कर लेना है, मैश कर लेना है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर लेंगे। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए आलू भून चुका है अच्छी तरीके से। अब मैं यहाँ धनिया ऐड करूँगी और अच्छे से मिलाने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और जब तक ये ठंडा होता है तब तक चलिए आटा तैयार कर लेते हैं। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं यहाँ पर मैदा ली हूँ, इसमें अजवाइन इसको अच्छे से क्रश करके डाल लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार, घी 2 चम्मच ऐड करेंगे, जिससे पोटैटो व्हील्स और भी क्रिस्पी होगी और खाने में स्वादिष्ट भी होगी। अब इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें गांठे ना हों। देखिए बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अब इसमें पानी की सहायता से एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख लेंगे। 5 मिनट बाद इसकी लोई बना लेंगे छोटे छोटे। अब इसको आप चाहे तो घी या तेल या आप ऐसे ही इसको बेल सकते हैं। ध्यान रहे ये ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा मोटा होगा तो ये तेल में सिकने में टाइम लगेगा और तेल भी काफ़ी पी लेगा ये, तो इसको पतला ही बेलना है। अब इसमें जो आलू तैयार किया था उसकी फिलिंग करेंगे और फिलिंग को चारों तरफ अच्छे से एक बराबर मात्रा में लगाना है। ज़्यादा मोटा लेयर नहीं लगाना है इसका। अब इसको रोल करना शुरू करेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे
बिल्कुल हल्के हाथों से करना है ताकि ये फटने ना पाए। बिल्कुल ऐसे ही। ये देखिए जैसे मैंने तैयार किया है, ये देखिए। अब इसको हल्के हाथों से और भी रोल कर लेंगे, पतला कर लेंगे रोल करके। रोल करने के बाद चाकू की मदद से इसको एक एक इंच के गैप में कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से सारे में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद एक एक पीस को ऐसे हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए है ना कितना अच्छा, खाने में तो और भी टेस्ट लगता है। इस तरह से मैं सारे तैयार कर लूंगी। ये देखिए अब इसके स्लरी बना लेंगे। मैं इस चम्मच से 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स, अब नमक थोड़ी सी, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना बनने पाए। अगर लम्स बन गए तो इसका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए पेस्ट ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब एक तरफ कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। तेल के गरम होते ही एक एक व्हील्स को कॉर्नफ्लोर में डिप करके अच्छे से इसकी कोटिंग लगा करके तेल में डालेंगे फ्राई होने के लिए। ये देखिए अब इसको पलट लेंगे। फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे ताकि व्हील्स और भी कुरकुरी बनेंगी। इस तरह से अलट पलट करके इसको गोल्डन फ्राई होने तक तल लेंगे। ये देखिए इसको मैं निकाल लूँगी अब छान करके। इस तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। इस तरह से देखिए सारे तैयार हो गए। लग रहे ना कितने अच्छे देखने में, खाने में भी बेहद टेस्टी होता है। एक बार ज़रूर से आप लोग ट्राई करना और उतनी ही कुरकुरी होती है ये। ये देखिए ये मेयोनीज़ के साथ बहुत टेस्टी लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।